ज्यादा रूड पर एक फिल्मी स्टाइल में, बड़े फिल्मी स्टाइल में एक ब्लैकमेलिंग लूट आजादी घटना घटी थी, जैसे में हमने इसमें लिखा हुआ है। और पुराने दौर में हमको ये लगा कि किसी जान पहचान वाले थे ही आपस में, लेकिन ये ब्लैकमेलिंग वाला एक्सट्रैक्शन वाला केस है। ये हेरिटेज पब्लिक स्कूल है शहजादा रोड पर, उसके वहाँ पर एक जो है 3 स्टोरी फ्लैट है, उसमें जो है वादी अमित कुमार और इसका एक अन्य साथी के साथ वहाँ पर रहता था। उन्होंने किराए पर लिया था 20,000 रुपया पर महीने के हिसाब से। ये जो है इन्होंने ही एक ऑफिस यहाँ पर सर्वे चौक के पास में बनाया था, वो 30,000 रुपया पर महीने के हिसाब से। और इनका काम बेसिकली ये था, इन्होंने एक कंपनी बनाया था, प्रूडेंट प्रूडेंट ट्रेडिंग कंपनी, जो बेसिकली ऑनलाइन ट्रेडिंग कैसा करते हैं उसके बारे में सिखाने के लिए। और उसके साथ साथ ए फॉरेक्स लाइव विद फॉरेक्स फ्लाई विथ फॉरेक्स, और उसमें ट्रेडिंग साथ ही साथ जो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी एक काम करते, उसमें ट्रेडिंग का काम फॉरेक्स और क्रिप्टो करेंसी में भी ट्रेडिंग के काम करते थे तीनों लोग, दोनों लोग। तो यहाँ तो ये ऑनलाइन ट्रेडिंग कैसे करते हैं उसके लिए प्रूडेंट एक ट्रेडिंग कंपनी बनाया, उसमें बच्चों को जो है 14,499 रुपये लेकर के 90 दिन का कोर्स कराते थे, और उसमें कोई सर्टिफिकेट वगैरह दे देने थे लोग। तो लोग जिज्ञासा बस आजकल जो है सस्ता है करके हैं, लोग काफ़ी लोगों ने ट्रेडिंग किया है। और ट्रेडिंग के बारे में इन्होंने घटना से कुछ दिन पहले सहारनपुर जाकर के वहाँ से भी वहाँ भी एक सेमिनार कराया था। 3 लोग 29 तारीख के सुबह 6:15 बजे के लगभग इनके फ्लैट में घुसते हैं, और एक नकली पिस्टल होता है वो दिखा करके, हैं 2 नकली पिस्टल दिखा करके और पूरा चेहरा ढक करके 3 लोग घुसते हैं, 3 लोग घुसते हैं ना, जी हाँ 3 लोग घुसते हैं। और बेसिकली उसमें से ये था कि एक आशीष नाम का व्यक्ति है जो कि ऑलरेडी इनका जो कंपनी चलाने वाले थे वो जान पहचान वाले थे, और उसको पूरी जानकारी थी इसके बारे में। इनको ये अंदाजा था कि भाई इनके पास बहुत पैसा हो सकता है, फॉरेक्स और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भी ट्रेडिंग करने के लिहाज से भी इनको जानकारी थी। उसमें ये काफ़ी लोग इनको लोगों को जो है इवन कार, मोटरसाइकिल, एलईडी, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच आदि आदि सिक्योरिटी देते थे लोग, तो ट्रेडिंग करते थे उस ट्रेडिंग करने में। उसमें एक आपने देखा होगा कि एक आदमी है, उसको अगर वो 4 लोग शॉर्ट करेगा तो उसको फिर वो इन्वेस्टमेंट जो होगा तो उसका एक सर्टेन परसेंटेज उसको मिलता है, फिर चार को बनाएगा इस चैन, इस तरह के बहुत सारे। हाँ हाँ नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग वो बेसिकली करते थे ये लोग। और उसके माध्यम से उनको इनको इन लोगों को जानकारी ये थी कि भाई इनके पास पैसा बहुत है। पहले हाँ से ही बता हाँ तो इनका इनको ये था कि इनके अलग अलग जो है वॉलेट क्या वॉलेट जो है वॉलेट एक वॉलेट में लगभग लगभग 95 लाख रुपया होने की इनकी जानकारी थी। इस प्रकार से इनके बहुत सारे इनके पास बहुत अच्छा अमाउंट हो सकता है, ये इनकी जानकारी में थी। तो वो इसी लिहाज से आए थे, और उन्हें सीधे इनका पूरा लैपटॉप सब उठा के ले गए। आपके नोट कर लीजिए कि लगभग लगभग जो है इन्होंने, अच्छा इन्होंने वॉकी टॉकी के माध्यम से किया, वॉकी टॉकी के इस्तेमाल, हम उन्होंने कहा हम सीबीआई वाले हैं और तुम गलत फर्जी काम करते हो, तुम ये करते हो करते हो। एक महिला दोस्त भी वहाँ पर थी, उसका भी इसने उन्होंने वीडियो बनाया, तो बोल के भाई तूने दोनों ने तेरे साथ गलत काम किया, ये क्या हो गया। और वॉकी टॉकी लेकर के 2 वॉकी टॉकी लेकर के और
चेहरा पर मास्क लगा करके खौफ पानी बनाया कि मैं हम सीबीआई वाला है। उनका पूरा लैपटॉप, इनका दो आपके जो हैं एप्पल आई छः मोबाइल फ़ोन लेके, दो लैपटॉप लेके, एचपी के लैपटॉप लेके, सैमसंग का एक आईपैड ले गए हैं, और आधार कार्ड ले गया, बाकी डॉक्यूमेंट और जो भी इनका जो ट्रेडिंग से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट थे, रजिस्ट्रियाँ थी, कुछ रजिस्टर वगैरह सब उठा के ले गए। इनको पूरा देहरादून घुमाया गया, पहले यहाँ से फिर ऑफिस ले आए, ऑफिस में भी उन्होंने कुछ खंगाला वगैरह जानकारी करने के बाद इनको कोई कैश तो नहीं है, और वो लैपटॉप इसे ले गए कि ताकि जो है जो भी वॉलेट वगैरह है इनके, तो वहाँ से उनके पिन निकाल करके या जो भी कोड निकाल करके, ताकि वो पैसे जो भी अगर होगा उसको ट्रांसफर करने के लिए आ सके। तो ये यहाँ पर मोहब्बे वाले के आसपास उसमें से एक व्यक्ति जो है, क्या नाम उसका, अमित, अमित आशीष जो था ना, इसमें आशीष कौन है तुम लोग, आशीष कौन है, ये है आशीष, इसकी पूरी जानकारी थी इनके साथ। हाँ ये ट्रेडिंग होम करना है, एक है इसमें हरियाणा, पूरा हरियाणा में होगा। कौन है, क्या नाम उसका, तीसरा कौन है, सोनू। पहले था होगा ना, ठीक है, तो ये था। तो इसमें हमने पूरा इस घटनाक्रम को 28 तारीख से हम लोग लग गए थे, उसमें इनका दोनों जो वादी है उसका एक एक्सयूवी 300 गाड़ी थी, उसमें उठा के उसको ले गए। इनका बेसिकली मकसद ये था कि इनको उठा के सहारनपुर ले जाते और वहाँ फिर डरा धमका करके उसका वो जो भी वॉलेट है उसमें जितने पैसे वो ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं। लकीली उनके पास उस पैसा उस दिन था नहीं, इसमें उसका भी हम जांच कर रहे हैं, वो भी बड़ा एक अभी दूसरा पक्ष है, दूसरा पहलू है।